हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सच्ची घटना पर बनी थ्रिलर ड्रामा मूवी आर्गो को, जो 2012 में आई थी। अगर मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। जैसे आईएमडीबी पर इसे मिले है 7.7 स्टार आउट ऑफ 10, रोटन टमाटो पर 96% फ्रेश विथ 90% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले है 86 आउट ऑफ 100 और इसे 84% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। ये मूवी अपने दमदार एक्टिंग और जबरदस्त स्क्रीन प्ले के लिए ये आज तक सुर्खियों में बनी हुई है। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित मूवी है, लेकिन इस मूवी में कुछ खास बातें हैं जो इसे दूसरी ट्रू स्टोरी मूवीज से अलग बनाती है। इस मूवी में मेन और लीड कैरेक्टर निभाया है हमारे बैड एज बैटमैन बेन एफिलेक ने, जो मेन एक्टर के साथ साथ इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है। जी हाँ, आपने सही सुना, बेन एफिलेक ही इस मूवी के डायरेक्टर है। इस मूवी की खास बात ये है कि इस मूवी को बेन एफिलेक ने जितना हो सके उतना रियलिस्टिक रखने की कोशिश की है, जिसके सबूत मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। और दूसरी बात, बेन एफिलेक चाहते तो कुछ चीजों को छुपा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मूवी में अपने ही देश की पोल खोल कर रख दी है कि कैसे अमेरिका अपने फायदे के लिए दूसरे देशों को बर्बाद करता है। यहाँ मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अमेरिका के लोगों की नहीं। दूसरी तरफ आप देखें तो बेन एफिलेक भी अमेरिकी ही है, मगर उन्होंने अपनी मूवी के जरिए सच दिखाया है। साथ ही इस मूवी ने उस साल बेस्ट पिक्चर, बेस्ट राइटिंग और बेस्ट एडिटिंग जैसे 3 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए थे। तो मैंने आपको बहुत ज्ञान दे दिया, तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था। 2500 सालों तक ईरान पर कई राजाओं ने हुकूमत की, जिन्हें शाह कहा जाता था। सन 1950 में ईरान की जनता ने मोहम्मद मोदासे को अपना पीएम चुना, जो एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे। उन्होंने यूएस और ब्रिटेन से अपने मुल्क की पेट्रोलियम होल्डिंग छीन ली और उसे अपने मुल्क के लोगों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, ताकि ईरान का तेल ईरान के ही लोगों के काम आए। मगर 1953 में यूएस और ग्रेट ब्रिटेन ने साजिश के तहत मोसाद्देह का तख्ता पलट दिया और रेजा पहलवी को शाह बना दिया, जो यूएस का पपेट था। रेजा अपनी अय्याशियों के लिए जाना जाता था। उसकी बीवी दूध में नहाती थी और उसका खाना पेरिस से आता था, और वही दूसरी तरफ ईरान की जनता भूखी मर रही थी, और ये सब अमेरिका की वजह से। रेजा ने ईरान पर कंट्रोल करने के लिए अपनी एक निजी और बेरहम पुलिस सावाक नाम से बना रखी थी। ये जो सब आप देख रहे हैं, ये सब असली फुटेज और फोटोज है। सावाक रेजा के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को क्रूर तरीके से दबा दिया करते थे। रेजा ने इराक में पश्चिमी सभ्यता मतलब वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की मुहिम शुरू की। ईरान के लोग जानते थे कि रेजा के पीछे अमेरिका का हाथ है। पश्चिमी सभ्यता की मूवमेंट शुरू करने से ईरान के ज्यादातर शिया लोग भड़क गए, क्योंकि उन्हें पता था रेजा के पीछे ये सब अमेरिका करवा रहा था। वो लोग अमेरिका से नफरत करने लगे। 1979 में ईरान की जनता ने रेजा का तख्ता पलट कर दिया। फिर धर्मगुरु आयतुल्ला खुमानी हुकूमत करने ईरान वापस आया, जिसे रेजा ने अपने दौर में ईरान से निष्कासित किया था। फिर शुरू हुआ रेजा से बदले का माहौल और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। कैंसर से पीड़ित रेजा किसी तरह जान बचाकर ईरान से भाग गया। उसे अमेरिका ने पनाह दी। कहा जाता है जब वो ईरान से भाग रहा था, उसके प्लेन में इतने सोने की ईंटें भरी हुई थी कि प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हो रहा था। ईरान के लोग सड़कों पर उतर आए। ईरान के लोगों ने अमेरिका से रेजा पहलवी को वापस मांगा, ताकि उस पर ईरान में मुकदमा चले और उसे मौत की सजा हो, क्योंकि रेजा पहलवी उनका दोषी था। उस वक्त जिमी कार्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट है। उन्होंने ईरान की जनता को सीरियसली नहीं लिया। फिर आया 4 नवंबर 1979 वाला दिन। तो मूवी की शुरुआत में हम ईरान में यूएस एम्बेसी के बाहर लोगों की भीड़ देखते हैं। एक आदमी यूएस का फ्लैग जला रहा था। ईरान के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वही एम्बेसी के अंदर से दो लोग बॉब और मार्क प्रदर्शन को देख रहे थे। उन्हें ये प्रदर्शन मेला लग रहा था। अभी भी एम्बेसी में काम चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भीड़ में से कुछ लोग गेट कूदकर अंदर आ जाते हैं। अंदर बॉब सिक्योरिटी के लिए पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब अंदर सभी पैनिक होने लगे थे। माइक सभी को जल्दी यहाँ से निकलने कहता है। वही बाहर भीड़ अग्रेसिव होने लगी थी। वो लोग गेट की चेन काट कर अंदर आ जाते हैं। अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर भी ये देख रहा था। वो अपने गार्ड्स को पीछे हटने कहता है। ये सब देख कर अंदर सभी डर जाते हैं। वही ऑफिसर सभी डॉक्यूमेंट जलाने कहता है। भीड़ बिल्डिंग तक आकर सभी कैमरास तोड़ देती है। इस शॉट में हम देखते हैं बाहर ईरान की पुलिस भी खड़ी थी। अंदर ऑफिसर अपने सोल्जर्स को
समझाता है। सबसे पहले तो वो उसे मतलब यूएस के प्रेसिडेंट को गाली देता है जिसने ये वॉर शुरू की है। फिर सोल्जर को ऑर्डर देता है उन्हें भीड़ को कम से कम एक घंटे तक बाहर ही रोकना होगा क्योंकि अंदर सब खुफिया फाइल जला रहे हैं और उन्हें भीड़ को शूट भी नहीं करना है क्योंकि उन्होंने एक आदमी को भी शूट कर दिया तो भीड़ यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। वही अंदर कुछ लोग बहस कर रहे थे यहाँ से निकले या मदद आने का इंतजार करे। सिक्योरिटी ऑफिसर ने सोल्जर को बस टीयर गैस इस्तेमाल करने कहा था। भीड़ खिड़की तोड़कर अंदर आने का रास्ता बना रही थी और सोल्जर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। वही अंदर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें अभी ही निकलना होगा क्योंकि ये बिल्डिंग सीधे सड़क से जुड़ी है। सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर जाता है ताकि लोगों को समझा सके लेकिन बाहर निकलते ही वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे ढाल बनाकर दरवाजा खुलवा लेते हैं। अब सब लोग अंदर आ चुके थे। बिल्डिंग के अंदर सभी लोग जरूरी डॉक्यूमेंट और वीजा प्लेट तोड़ने में लगे थे। उन लोगों का काम होते ही वो सभी लोगों को बाहर जाने कहते हैं। भीड़ अंदर आ चुकी थी। वहाँ खोमेनी की फोटोज पर तीर लगे हुए थे जिसे देखकर लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बाकी लोग वहाँ मौजूद स्टाफ को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग पीछे के रास्ते से बाहर निकलकर कहीं चले जाते हैं। अंदर लोग बाकी लोगों की आंखों पर पट्टी बांध कर बंदी बना लेते हैं। फिर हम यूएस स्टेट ऑफिस में कुछ लोगों को देखते हैं। उनमें से एक ईरानियन को गाली दे रहा था लेकिन बाकी ऑफिसर बताते हैं पहला वार उन्होंने ही किया था मोसाद्दे को हटाकर। फिर उन्होंने उस आदमी की मदद की जिसने ईरान की आबादी को बर्बाद कर दिया। उनके मुताबिक 50 लोग फिलहाल ईरानियन के कब्जे में हैं। दूसरी तरफ वो लोग कैनेडियन एम्बेसिडर के घर पर जाते हैं। इस तरफ ये बात यूएस ऑफिशियल्स को पता चलती है। वो लोग शाह की मांग कर रहे थे। यहाँ पर भी वो ऑफिसर अपने ही देश के पॉलिटिशियंस को गालियां देता है क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से ये नौबत आई थी। एम्बेसिडर के घर पर जो 6 लोग है वो ज्यादा खतरे में है क्योंकि जिन 60 लोगों को बंदी बनाया गया है उन पर पूरी दुनिया की नजर है। वो ऑफिसर फैसला करता है वो उन 6 लोगों को वही रखेंगे। वही टीवी पर न्यूज चल रही थी कि अगर यूएस आर्मी के जरिए उन्हें छुड़वाने की कोशिश करता है तो ईरानियन उन लोगों को मार देंगे। अब इस घटना को 69 डेज गुजर चुके थे। न्यूज से पता चलता है अभी तक यूएस के लोग ईरान में ही बंधक है जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर हम हमारे हीरो टोनी को देखते हैं जिसे एक इमरजेंसी कॉल आता है। टोनी एक CIA एजेंट है। वो तुरंत ऑफिस आता है। न्यूज के जरिए हमें पता चलता है सभी 60 लोग एम्बेसी के अंदर ही बंद है। टोनी अपने बॉस के पास आता है। जब वो उसे बताता है तब टोनी को पता चलता है एम्बेसी से 6 लोग बाहर भाग निकले थे। उन्हें किसी देश ने पनाह नहीं दी लेकिन कैनेडियंस ने उन्हें बचाया। उन्हें हाउस गेस्ट कहा जा रहा था। वो अभी तक एम्बेसिडर के घर से निकले ही नहीं। टोनी पूछता है उन्होंने उन्हें पहले क्यों नहीं निकाला। तब वो बताता है ईरानियन गार्ड एक एक घर जाकर चेक कर रहे हैं क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग सोचने लगे हैं खोमेनी एम्बेसी में बंद लोगों के साथ नरमी से पेश आ रहा है। वही उनका प्रेसिडेंट जिमी कार्टर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वही अब कनाडा भी उन लोगों को बाहर करना चाहता है क्योंकि कनाडा बहुत रिस्क ले रहा है। वही एम्बेसी में अंदर किसी एम्प्लॉय ने वहाँ काम करने वाले सभी लोगों की फोटो बुक बना रखी थी। वो बुक तो श्रेड कर दी गई लेकिन अब वो लोग बच्चों से उन डॉक्यूमेंट्स को जुड़वा रहे हैं। बुक के असेंबल होते ही ईरानियन जान जाएंगे कि 6 लोग भाग निकले हैं और वो दिखते कैसे हैं। फिर उन्हें पकड़कर भीड़ के बीच उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। अब स्टेट डिपार्टमेंट उन्हें रेस्क्यू करना चाहता है लेकिन उन्हें पता है वो लोग पकड़े तो जाएंगे ही, इसीलिए वो बहाना बनाना चाहता है कि उन्होंने CIA के साथ मिलकर कोशिश तो की और रेस्क्यू करने वाला सबसे माहिर एजेंट टोनी है। फिर दोनों एक मीटिंग में आते हैं। वहाँ पहले सभी के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले मार्क और कोरेल दोनों न्यू मैरिड कपल है। वो बस कुछ महीने पहले ही वहाँ गए थे। उन्हें फारसी नहीं आती और ना ही उन्हें ईरान के बारे में कुछ पता है। तीसरा हेनरी, चौथा था जो। जो काफी स्मार्ट है, उसे फारसी बोलना आती है। उसके साथ उसकी वाइफ केथी, वो भी वही काम करती है। आखिरी था बॉब जो उनमें सबसे बड़ा है और शायद उनका ग्रुप लीडर भी। स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही बकवास प्लान बनाया था कि वो लोग उन्हें साइकिल से निकालेंगे। उन्होंने कुछ रास्ते पता कर लिए थे लेकिन यहाँ टोनी उनके प्लान का मजाक बनाता है। तब उसका बॉस बताता है टोनी एक रेस्क्यू एक्सपर्ट है, उसने बहुत सारे शाह के लोगों को ईरान से बाहर निकाला है। बाद में सभी लोग बहुत ही घटिया घटिया प्लान बताते हैं लेकिन टोनी के मुताबिक ये सब वहाँ काम नहीं करने वाला। उसके मुताबिक उन्हें किसी दूसरे देश का पासपोर्ट देकर फ्लाइट से बाहर निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट पर भी खोमेनी के लोगों का कब्जा है, वो उन्हें उनके एक्सेंट से पकड़ सकते हैं, इसीलिए उन्हें कनाडा का पासपोर्ट देना होगा। लेकिन फिलहाल उन्हें बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था। इधर ईरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा था अमेरिका ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा सपोर्टर बनता है लेकिन अमेरिका ही बाकी देशों में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है। ईरान की डिमांड थी कि उन्हें शाह वापस चाहिए क्योंकि शाह ने अमेरिका के सहारे 37 साल तक 1 महीने के कई बच्चों
को मारा था। इधर न्यूज के जरिए हमें पता चलता है अब अमेरिकन भी भड़क गए है और वो ईरान एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे है और अपना गुस्सा अमेरिका में मौजूद ईरानियन पर निकाल रहे है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वही कुछ बच्चे कटे हुए कागज को जोड़ रहे थे और उन्होंने जो की फोटो लगभग जोड़ भी ली थी। इधर वो 6 लोग एम्बेसिडर के घर में थे, वो भी शाह को गालियां दे रहे थे क्योंकि उसने ईरान के लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे। वहाँ कोई हेलीकॉप्टर आता है और सभी को बेसमेंट में छुपना पड़ता है। फिर हमें टीवी न्यूज दिखाई जाती है जहाँ कुछ अमेरिकी मॉब एक ईरानियन को बेरहमी से मारते हैं। कुछ नासमझ स्टूडेंट बोलते हैं कि एम्बेसी में घुसते समय ही उन लोगों को शूट कर देना चाहिए था। अब तक 74 दिन गुजर चुके थे और टोनी कुछ रास्ता ढूंढ रहा था जिससे वो उन्हें बाहर निकाल सके। फिर वो अपने बेटे को कॉल करता है क्योंकि फिलहाल वो अपनी बीवी से अलग रहता है। उसका बेटा बताता है वो अभी प्लेनेट ऑफ एफ मूवी देख रहा है। टोनी भी वही चैनल लगाता है और टीवी देखते देखते उसे एक आइडिया आता है। अगले ही दिन वो मीटिंग में बताता है सब लोगों ने साइंस फिक्शन मूवी तो देखी ही है। मूवी बनाने के लिए उन्हें बहुत बढ़िया लोकेशन लगती है, जैसे रेगिस्तान, मार्स दिखने वाली जैसी जगह। फिर टोनी अपना प्लान बताता है। वो बताएंगे उन्हें एक कैनेडियन साइंस फिक्शन मूवी के लिए लोकेशन चाहिए। पहले वो इजिप्ट, फिर इस्तांबुल जाएगा, फिर वहाँ से मूवी क्रू बनकर ईरान और सभी लोगों को मूवी क्रू बनाकर वापस ले आएगा। सिंपल। लेकिन ये प्लान इतना सिंपल था कि सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन टोनी एकदम सीरियस था। दरअसल हॉलीवुड में उसका एक कॉन्टेक्ट है जॉन चेम्बर्स। वो एक मास्क बनाने वाला आदमी है, मतलब मेकअप आर्टिस्ट। यहाँ तक कि उसने प्लेनेट ऑफ एल्प मूवी के लिए ऑस्कर भी जीता है। जॉन ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर CIA के लिए काम भी किया है। टोनी उससे जाकर मिलेगा और वो सारा इंतजाम कर देगा। लेकिन बाकी लोगों को उसका प्लान कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ईरान के लोगों ने अमेरिका का झंडा जमीन पर बनाया था और वो उस पर गाड़ियां चलाते हैं। दूसरी तरफ बॉब घर में रहकर ऊब गया था, लेकिन उसके वापस आने पर सभी उससे नाराज होते हैं क्योंकि उसे पहचानने में उन लोगों को बस एक ही सेकंड लगेगा। वही ईरानियंस को जो की फोटो मिल गई थी, वो उस फोटो को बंधकों से मिलाने बोलता है, मतलब अब उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि 6 अमेरिकी गायब है। इस तरफ टोनी का बॉस बताता है उसे अपने मूवी प्लान पर काम करने की परमिशन मिल गई। वो लॉस एंजलिस जाकर तैयारी करे, अगर उसकी प्लानिंग ठीक रहती है तब वो उसका प्लान आगे बढ़ाएंगे। फिर हम हॉलीवुड में जॉन को देखते हैं। कुछ देर बाद उसे टोनी का कॉल आता है। इस तरफ टोनी लॉस एंजलिस पहुंचता है जहां हॉलीवुड का H और O गिरा हुआ था। फिर टोनी जाकर जॉन से मिलता है। वो उसे बताता है उसे एक रेस्क्यू मिशन करना है, वो भी ईरान से, क्योंकि 6 लोग बचकर निकल गए थे जो तेहरान में छुपे हुए है और उसे जॉन की मदद चाहिए क्योंकि उसे एक नकली मूवी के लिए एक नकली प्रोडक्शन कंपनी का कवर सेटअप करना है। फिर जॉन सभी की प्रोफाइल देखता है और उन्हें अलग अलग काम देता है, जैसे स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर एक्सेट्रा। फिर टोनी को समझाता है वो मूवी के आसपास स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, बल्कि मूवी बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट चाहिए। साथ ही उन्हें एक बड़ा स्टार चाहिए जो काफी फेमस हो, साथ ही वो नकली मूवी का प्रोड्यूसर भी बने। फिर दोनों एक मशहूर एक्टर लेस्टर के पास जाते हैं। आपको पहले ही बता दूं, इस मूवी में उस एक्टर का नाम बदल दिया गया है ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। खैर, फिर दोनों लेस्टर को अपना प्लान बताते हैं। लेस्टर कहता है उसे 6 लोगों को निकालना है जहां 40 लाख लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और उसे एक हफ्ते में एक मूवी सेटअप करनी है, हॉलीवुड में झूठ बोलना है। फिर टोनी वहां जाएगा, मतलब CIA एजेंट वहां जाएगा, जबकि ईरानी CIA के खून के प्यासे है। फिर वहां से उसे आराम से निकलना है जहां सबसे ज्यादा पहरा है। लेस्टर को इस प्लान के सफल होने के चांसेस बहुत कम लगते हैं। उसे कहीं जाना था, लेकिन जब वो टीवी पर वहां की न्यूज और वहां के लोगों को देखता है तब लेस्टर उनका साथ देने तैयार हो जाता है। लेकिन उन्हें मूवी के लिए एक स्क्रिप्ट लगेगी। इस तरफ वो लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि बाहर से गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। लेकिन एम्बेसिडर के घर में एक सहर नाम की नौकरानी थी, उसे शक हो गया था क्योंकि ये लोग कभी बाहर नहीं जाते। इस तरफ जॉन और लेस्टर कोई अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे। इस तरफ टोनी को पता चलता है उसे फ्राइडे तक सब तैयारी करनी होगी, वरना स्टेट डिपार्टमेंट अपने साइकिल वाले प्लान को फाइनल कर देंगे। फोन रखने के बाद उसे एक आर्गो नाम की स्क्रिप्ट दिखाई देती है। वो जाकर ये स्क्रिप्ट दोनों को दिखाता है क्योंकि ये एक साइंस फिक्शन कहानी तो थी ही, साथ ही ये मिडिल ईस्ट की कहानी थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी क्योंकि ये जिस राइटर की है वो बहुत ज्यादा अड़ियल है। फिर टोनी और लेस्टर उस राइटर के पास जाते हैं। लेस्टर और उसकी खास बनती नहीं थी, वो अपनी स्क्रिप्ट बेचने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास 4 मूवीज के ऑफर पहले से है। लेकिन लेस्टर उसकी औकात याद दिलाते हुए उससे स्क्रिप्ट $10,000 में खरीद लेता है। फिर लेस्टर और टोनी बात करते हैं। लेस्टर की 2 बेटियां है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती क्योंकि वो एक घटिया पिता है। टोनी का भी एक बेटा है, लेकिन उसकी बीवी उससे दूर रहती है। लेकिन बाद में टोनी को पता चलता है खुमैनी के लोगों ने शाह के एक आदमी को
एयरपोर्ट पर भागते हुए पकड़ लिया है। अब इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी डबल कर दी गई। अब हर किसी का पूरा बैकग्राउंड एग्जामिनेशन होगा। लेकिन इस प्लान के लिए टोनी को एक हफ्ता और चाहिए, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है। अब उन्होंने हॉलीवुड में एक ऑफिस भी ले लिया था, मूवी का पोस्टर बना लिया था, उनके बिजनेस कार्ड भी बन गए थे। लेकिन इसे और सच्चा दिखाने के लिए उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। तब जॉन और लेस्टर आइडिया देते हैं, जो कि आज की तारीख में बिल्कुल सच भी है, कि किसी भी झूठ को सच दिखाना है तो उस झूठ को मीडिया में दे दो, मतलब उन्हें मूवी को प्रेस में प्रमोट करना होगा। फिर लेस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करता है। टोनी उनके स्केच आर्टिस्ट को मूवी के स्केच थोड़े और मिडल ईस्टर्न बनाने कहता है, जैसे ईरानियन। फिर हॉलीवुड के एक शानदार होटल में मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। कुछ देर बाद मूवी की स्टोरी पढ़ी जाती है। दूसरी तरफ ईरान में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उन्होंने एम्बेसी के सभी लोगों को जासूस घोषित कर दिया था और उन पर मुकदमा चलाने की तैयारी कर रहे थे। वही यूएस उन लोगों की शर्तें मानने तैयार नहीं होता, लेकिन ईरान के मुताबिक ये सब प्रोपेगेंडा अमेरिका वेपन्स और तेल कंपनियों के दबाव में करता है और जो क्रांतिकारी होते हैं उन्हें आतंकवादी घोषित कर देता है। इधर खुमैनी भी शाह को वापस करने तक उन लोगों को छोड़ने से मना कर देता है। इधर ईरान के लोग एम्बेसी के लोगों को बेसमेंट में लेकर आते हैं और उन पर खाली बंदूक चलाकर उन्हें डराते हैं। इस तरफ मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब होती है और आर्गो की न्यूज अखबार के दो पन्नों में छपती है। फिर तीनों सेलिब्रेट करते हैं और टोनी वापस आ जाता है। फिर टोनी और उसका बॉस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिस में आते हैं, लेकिन उन दो बूढ़ों को उसका आइडिया पसंद नहीं आता। लेकिन टोनी कहता है उसने सभी ऑप्शन देखे है, लेकिन ये ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो इसे बैड आइडिया कहते हैं, लेकिन टोनी का बॉस कहता है यही उनका बेस्ट बैड आइडिया है। लेकिन आखिर में वो उसके मूवी प्लान को सैंक्शन कर देते हैं। टोनी बहुत खुश होता है। अब उसे ईरान जाना होगा। उसे एयरपोर्ट पर उसका बॉस छोड़ने आता है और उसे याद दिलाता है अगर वो पकड़ा जाता है तो यूएस उसे पहचानने से इनकार कर देगा। साथ ही अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो टोनी उसकी वाइफ को बताने कहता है। फिर वो एयरपोर्ट से जॉन को कॉल करके बताता है उन्हें मंजूरी मिल गई और वो उसके कहने तक मूवी ऑफिस बंद ना करे। फिर वो अपने बेटे को कॉल करता है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। फिर वो अपने बेटे के लिए एक लेटर लिखता है, क्योंकि कुछ दिन में उसका बर्थडे था। लेटर पोस्ट करने के बाद टोनी प्लेन में चला जाता है। इस तरफ ईरान में जो खुद की और अपनी वाइफ की इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था, क्योंकि केथी ने कुछ महीने पहले ही उसे यहाँ से चलने कहा था, लेकिन वो नहीं माना। अब उसे लगता है वो लोग यही मारे जाएंगे। वही शहर जो कैनेडियन एम्बेसिडर के घर में काम करती है, उसके घर के पास कुछ लोग एक आदमी को गोली मार देते हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर हम इस्तांबुल देखते हैं। टोनी वहाँ आया था क्योंकि वो डायरेक्ट ईरान नहीं जा सकता। फिर टोनी हाजिया सोफिया मस्जिद में जाता है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है। वो उसे एक स्लिप देता है जो ईरान के एयरपोर्ट पर बनती है। इस स्लिप की दो कॉपी होती है। वो पीली स्लिप पैसेंजर को दे देते हैं और सफेद खुद रख लेते हैं और उनके वापस जाने पर दोनों स्लिप को मैच करते हैं। मतलब जब वो देश से बाहर जाएगा तब वो जान जाएंगे वो 6 लोगों के साथ नहीं आया था। हाँ, अगर वो स्लिप देख लेते हैं तब। वो आदमी उसे बताता है जब वो लैंड करे तब उसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इस्लामिक गाइडेंस के पास जाकर शूटिंग परमिट के लिए अप्लाई करना होगा ताकि उसकी ट्रिप लीगल हो। फिर टोनी तुर्की में मौजूद ईरानियन कॉन्सुलेट में जाता है। कुछ देर वेट करने के बाद ऑफिसर उससे कुछ सवाल करता है कि वो सीधा कनाडा से ईरान क्यों नहीं गया, लेकिन टोनी उसे कन्विंस कर लेता है और वो उसे ईरान का वीजा दे देता है। आपको बता दूं, टोनी के पास कनाडा का पासपोर्ट था। फिर वो ईरान के लिए फ्लाई करता है और फ्लाइट में वो स्लिप भरता है। इस तरफ अमेरिका में टोनी के बॉस को पता चलता है, मीडिया को पता चल गया कि 6 लोग बचकर निकले हैं और वो कनाडा के एम्बेसिडर के घर में छुपे हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने अपने घर पर बात की थी। मतलब अगर मीडिया ने ये टीवी और पेपर में बता दिया अपनी सो कॉल्ड टीआरपी के लिए तो उनका बचना नामुमकिन है। फिलहाल तो उन्होंने उन मीडिया को कुछ देर के लिए मना लिया है, लेकिन टोनी को जल्दी करना होगा क्योंकि मीडिया का कोई भरोसा नहीं। इस तरफ टोनी ईरान पहुंचता है और चुपके से वहां रखी पीली स्लिप उठा लेता है। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर उसे चेक करता है और सफेद स्लिप रख कर उसे पीली स्लिप दे देता है। जाते हुए टोनी देखता है हर जगह अमेरिकी विरोधी पोस्टर लगे हैं, लेकिन वहाँ अमेरिकन ब्रांड KFC भी है और लोग मजे से उसका फूड खा भी रहे हैं। ट्रक में लोग बंदूकों के साथ मौजूद है। एक आदमी को चौराहे पर क्रेन पर फांसी पर लटकाया गया है। फिर टोनी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इस्लामिक गाइडेंस के ऑफिस पहुंचता है। ऑफिसर उसकी स्क्रिप्ट पढ़ता है और वो काफी खुश था, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का काम आर्ट को प्रमोट करना है।
और वैसे भी क्रांति के पहले शाह यहाँ 40% थिएटर में पोर्नोग्राफी ही दिखाया करता था। वो उसके रिक्वेस्ट मिनिस्टर को भेजने तैयार हो जाता है। इस तरफ हॉलीवुड में लेस्टर ऑफिस में कॉल का वेट कर रहा था। फिर टोनी जाकर कैनेडियन एम्बेसिडर से मिलता है। फिर एम्बेसिडर कार में टोनी को सभी के पासपोर्ट देता है, लेकिन वो सभी ब्लैंक थे, उनमें कोई भी स्टैंप नहीं था। टोनी कहता है उसे एक या दो दिन लगेंगे, लेकिन एम्बेसिडर बताते हैं शायद उनकी नौकरानी को पता चल गया है, वो जितना जल्दी करेगा उतना बेहतर होगा। फिर वो उसे अपने घर लेकर आता है जहाँ सब परेशान बैठे थे। फिर टोनी आकर उनसे मिलता है, फिर उन्हें आर्गो मूवी की स्क्रिप्ट देते हुए अपना आइडिया बताता है, लेकिन किसी को भी उसका आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि हर दूसरे दिन एयरपोर्ट पर कोई शाक आदमी पकड़ा जाता है अपनी नकली आईडीज के साथ। उन्हें ये तक पता नहीं था फिल्म वाले क्या करते हैं, लेकिन इसीलिए तो टोनी यहाँ आया था। टोनी उन्हें अपना असली नाम नहीं बताता। कोरेल उससे पूछती है क्या उसने पहले कभी इस तरह लोगों को निकाला है, लेकिन इस तरह से ये पहली बार था। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जो को था। टोनी कहता है इस प्लान में बहुत खतरा है, लेकिन अब उन्हें यहाँ से जाना ही होगा। फिर एम्बेसिडर टोनी से बात करता है। दरअसल उसे एम्बेसी बंद करके वापस आने के ऑर्डर मिल चुके हैं। अब उनके लिए छुपने की कोई जगह नहीं है। वही अंदर सभी आपस में डिस्कशन कर रहे थे। जो को सबसे ज्यादा एतराज था, उसके मुताबिक वो एयरपोर्ट पर पकड़े जाएंगे। बहुत डिस्कशन करने के बाद उन्हें समझ में आता है टोनी उनके साथ खुद की भी जिंदगी खतरे में डाल रहा है, इसीलिए सबको मानना पड़ता है और उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। फिर टोनी सबको उनकी नकली आइडेंटिटी डिटेल्स की फाइल देता है, जिसे उन्हें अच्छे से याद कर लेनी है कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पड़े बड़े, किसके साथ अफेयर हुआ, सब कुछ, और हो सके तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से खुद को ढाल ले। फिर टोनी कल वापस आने बोलकर चला जाता है, लेकिन अभी तक जो कन्विंस नहीं हुआ था। इस तरफ आर्गो की फाइल कल्चर एंड इस्लामिक गाइडेंस के मिनिस्टर के पास आती है और उसे शूटिंग की परमिशन भी मिल जाती है। टोनी अपने होटल रूम में उनके पासपोर्ट पर नकली स्टैम्प बना रहा था, तभी उसे कल्चर एंड इस्लामिक डिपार्टमेंट का लेटर आता है। वो तुरंत रेडियो में से कुछ चीजें निकालकर उसे फोन से कनेक्ट करके अपने बॉस से बात करता है। दरअसल कल्चर एंड इस्लामिक डिपार्टमेंट के लोग उससे और उसके मूवी क्रू से कल बाजार में मिलना चाहते हैं, लेकिन ये उसके बॉस को पसंद नहीं आता, क्योंकि 6 अमेरिकी अगर बाहर खुलेआम घूमेंगे तो उनका पकड़े जाना तो तय है। इसमें बहुत रिस्क था, लेकिन टोनी कहता है उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी भी घर पर आ सकते हैं और उन्हें बाहर निकाल कर वैसे भी मार दिया जाएगा। अगले दिन टोनी ये बात उन लोगों को बताता है, लेकिन ये जानकर कि उन्हें 3 बजे बाजार जाना होगा, सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा एतराज एज यूजुअल जो को था। बॉब उसे समझाता भी है कि उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, फिर भी जो अपनी बीवी के साथ बाहर जाने तैयार नहीं होता और वहां से चला जाता है। फिर सभी तैयार होने लगते हैं, लेकिन जो और केथी नहीं। अब उस घर पर ब्लैंक कॉल भी आने लगे थे। दूसरी तरफ टोनी तैयार होता है और एक वैन किराए पर लेता है, लेकिन जब वो घर वापस आता है जो और केथी किचन में बैठे थे। टोनी जाकर उन्हें बताता है उसका यही काम है, वो लोगों को रेस्क्यू करता है, लेकिन जो को उस पर यकीन नहीं था। तब टोनी उन्हें अपना असली नाम और पता और अपनी फैमिली के बारे में सब बता देता है और उनसे प्रॉमिस करता है अगर उन्होंने आज उसके साथ ये नाटक कर लिया तो कल वो उन्हें यहाँ से निकाल लेगा। फिर सभी तैयार होकर वैन में आते हैं, जो और कैथी भी। फिर वो आगे बढ़ते हैं। सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। कुछ दूर जाते ही उन्हें रास्ते पर एक रैली दिखाई देती है और कुछ ही सेकंड्स में उनके पीछे से एक और रैली आ रही थी, मतलब अब वो फंस चुके थे। अब कोई भी रास्ता ना होने की वजह से उन्हें रैली के बीच में से ही निकलना पड़ता है। बहुत सारे लोग उनकी खिड़कियों पर हिट करते हैं, लेकिन वो किसी तरह रैली से निकल जाते हैं। फिर टोनी सभी से उनकी आइडेंटिटी पूछता है। सभी ने अपनी आइडेंटिटी याद कर ली थी। कुछ देर बाद वो बाजार पहुंचते हैं। वहां उन्हें कल्चर एंड इस्लामिक डिपार्टमेंट का एक आदमी मिलता है। वो सभी लोगों से मिलता है और उन्हें बाजार दिखाने लगता है, लेकिन कुछ लोग उनकी फोटो खींच रहे थे और बाजार में बहुत से लोग उन्हें घूर रहे थे। एक जगह कैथी एक दुकान की फोटो ले लेती है, क्योंकि वो प्रोडक्शन डिजाइनर बनी है। लेकिन तभी उस दुकान का मालिक बाहर आकर उसे आवाज देता है। कल्चर एंड इस्लामिक डिपार्टमेंट का आदमी उससे बात करता है। कैथी उसे फोटो दे देती है, लेकिन वहाँ वो आदमी तमाशा खड़ा कर देता है। वो कहता है उसके बेटे को शाह ने अमेरिकी बंदूक से गोली मार दी थी। वो सभी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सभी कैनेडियंस है, लेकिन उन लोगों के ना समझने पर वो उन्हें यहाँ से जाने कहता है। वही दूसरी तरफ एम्बेसिडर के घर पर कुछ लोग आते हैं। सहर जाकर उनसे बात करती है। वो आदमी पूछता है इस घर में कौन छुपा है, लेकिन सहर उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन उसे पता चल गया है एम्बेसिडर के घर पर कोई रह रहा है, क्योंकि वो लोग बाहर जो निकले थे। लेकिन सहर कहती है वो लोग 2 दिन पहले ही यहाँ आए हैं। वो कहता है उनमें से कोई जासूस हो सकता है।
है, लेकिन सहर कहती है इस घर में सभी ईरान के दोस्त है, इसीलिए वो आदमी चला जाता है और सहर अंदर जाकर चैन की सांस लेती है। फिर कुछ देर बाद टोनी और सभी लोग वापस आते हैं, लेकिन उनकी ट्रिप कुछ खास नहीं रही। दूसरी तरफ केनेडी अमेरिका में चुनाव जीत रहा था। स्टेट के ऑफिसर को आर्गो प्लान के बारे में पता चलता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस तरफ टोनी सभी से पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा था ताकि वो अपनी कवर आइडेंटिटी याद कर ले। जो कहता है जब गन सिर पर लगी हो तब ये कहानी काम नहीं आएगी, लेकिन टोनी कहता है गन और उनके सिर के बीच उसकी कहानी ही उन्हें बचा सकती है। कुछ देर बाद टोनी को उसके बॉस का कॉल आता है। वो बताता है उसका मिशन खत्म कर दिया गया है क्योंकि जॉइंट चीफ्स ने बंधकों को मिलिट्री के जरिए निकालने का प्लान बनाया है। अब उन्हें हमला करने एक वजह चाहिए। अगर वो 6 अमेरिकी कैनेडियन एम्बेसडर के घर से बाहर निकाल कर मार दिए जाते हैं तो दुनिया भड़क जाएगी और अमेरिका को ईरान पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा। मतलब अमेरिका अब उन 6 लोगों को बलि का बकरा बनाना चाहता है। लेकिन ये सुनकर टोनी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन उसका बॉस कहता है ये ऑर्डर ऊपर से आए हैं जिन्हें उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। वो टोनी को सॉरी बोलकर फोन रख देता है और खुद अपना मग भी फोड़ लेता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस कहीं के भी क्यों ना हो सब के सब कमीने हैं। नो ऑफेंस, ये मेरा ओपिनियन है। कोरेल उसे बुलाने आती है क्योंकि वो फिर से टेस्ट देने तैयार थे, लेकिन टोनी उन्हें रिलैक्स करने कहता है। फिर सभी थोड़ा सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कल क्या होने वाला है। कैनेडियन एम्बेसडर उसे कहता है जाने से पहले वो सभी के पासपोर्ट जला दे और बेहतर यही होगा कि वो कल वापस ही ना आए क्योंकि ये मिशन ऑफिशियली अब खत्म हो चुका है। फिर टोनी उन्हें देखते हुए चला जाता है। इस तरफ जिस आदमी ने शहर से बात की थी उसे सभी की फोटो मिलती है जो बाजार में किसी ने खींची थी। इधर टोनी अपने होटल रूम में आता है और वो रात भर सोचता रहता है और कुछ घंटों बाद सुबह हो जाती है। इधर एम्बेसडर के घर पर सभी जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एम्बेसडर को पता था टोनी वापस नहीं आने वाला। ये बात हॉलीवुड में जॉन और लेस्टर को भी बताई जाती है और उन्हें ऑफिस बंद करने कहा जाता है, लेकिन फिलहाल लेस्टर इस बात को सीरियसली नहीं लेता। अब काफी देर हो गई थी लेकिन टोनी अभी तक नहीं आया था। अब सब परेशान होने लगे थे। दूसरी तरफ टोनी बहुत कश्मकश में था कि अब वो क्या करे। कुछ देर बाद टोनी अपने बॉस को कॉल करके कहता है वो इस मिशन की जिम्मेदारी लेगा और वो उन्हें निकालने जा रहा है। उसका बॉस जाकर तुरंत उनकी टिकट कंफर्म करने कहता है, लेकिन अब टिकट को कंफर्म करने उन्हें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ टोनी एम्बेसडर के घर पहुंचता है। सभी तैयार थे, सब लोग एम्बेसडर से अलविदा लेते हैं। वो भी 1 घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे, साथ ही वो शहर का भी ख्याल रखेंगे। फिर सभी घर से निकल जाते हैं। इस तरफ टोनी का बॉस अपने सीनियर से लड़ने लगता है क्योंकि वो टोनी और उन लोगों को एयरपोर्ट पर मरने के लिए छोड़ने नहीं वाला। इस तरफ एक गार्ड एम्बेसडर के घर की फोन मशीन तोड़ देता है और वो भी एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। इस तरफ टोनी उन्हें एयरपोर्ट ले जा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है टोनी ने उन्हें बताया है पहले चेक पॉइंट पर उनसे कोई सवाल कर सकता है और वही उनके पासपोर्ट देखे जाएंगे। पासपोर्ट तो बिल्कुल असली है। दूसरा चेक पॉइंट है इमिग्रेशन। सब लोगों को वहाँ ये पीली स्लिप देनी होगी, उसमें लिखा है कि वो 2 दिन पहले यहाँ आए थे। फिर वो अपने पास की सफेद स्लिप ढूंढेंगे जो उन्हें मिलेगी नहीं। अगर वो एयरपोर्ट को यकीन दिला देते हैं कि उन्होंने ही सफेद स्लिप घुमा दी है तो वो भी मान जाएंगे। तीसरा चेक पॉइंट सबसे खतरनाक है क्योंकि वहाँ क्रांतिकारी गार्ड तैनात है जिनमें से ज्यादातर अमेरिका से ही पढ़कर आए हैं। वो सभी अमेरिकन को ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ टोनी का बॉस किसी और नाम से व्हाइट हाउस में कॉल करता है क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। उसकी कॉल स्टेट डिपार्टमेंट के हेड तक ट्रांसफर की जाती है। वो उसे बताता है आर्गो प्लान एक्टिव है। इधर सभी एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे लेकिन कंप्यूटर में उनकी टिकट नहीं दिखती। टोनी उसे एक बार और चेक करने कहता है। इस तरफ CIA ऑफिस में व्हाइट हाउस से टिकट कंफर्म करने का ऑर्डर आता है। टोनी का बॉस तुरंत टिकट कंफर्म करने कहता है। वही इस तरफ जैसे ही वो रिसेप्शनिस्ट उनकी टिकट चेक करती है टिकट कंफर्म हो चुकी थी। टोनी चैन की सांस लेता है और उन्हें टिकट मिल जाती है। फिर टोनी का बॉस हॉलीवुड में कॉल करके जॉन और लेस्टर को तैयार रहने कहता है, लेकिन उन्होंने ऑफिस बंद करने कह दिया था। इस तरफ पहले चेक पॉइंट पर गार्ड केथी को ध्यान से देखता है। वो भी नॉर्मल बिहेव करती है और वो उसे जाने देता है। इस तरफ बच्चों ने मार्क की फोटो असेंबल कर दी थी। इस तरफ दूसरा चेक पॉइंट आता है। गार्ड वहाँ खुद के पास की सफेद स्लिप ढूंढने लगता है। जाहिर से बात थी उसे स्लिप नहीं मिलती। दूसरा गार्ड रिकॉर्ड रूम में देखने जाता है जब तक सभी वही खड़े रहते हैं और जितना हो सके उतना नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ उस आदमी के पास जो एम्बेसडर के घर आया था मार्क की फोटो पहुंचती है। वो तुरंत अपने पास की फोटो उससे मैच करता है और मार्क की फोटो मैच हो जाती है। इस तरफ वो गार्ड वापस आता है, उसे सफेद स्लिप मिली
मिली नहीं थी, इसीलिए गार्ड उनसे पूछता है वो यहाँ कब और क्यों आए थे। बॉब बताता है वो परसों आए थे अपने मूवी की लोकेशन देखने। साथ ही टोनी के कहने पर बॉब उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इस्लामिक डिपार्टमेंट की परमिशन भी दिखाता है। अब वो स्लिप तो नकली थी लेकिन ये परमिशन बिल्कुल असली थी, इसीलिए कुछ देर सोचने के बाद ये मानकर कि उन्होंने ही स्लिप घुमा दी है, वो उन्हें आगे जाने की इजाजत दे देता है और सभी चैन की सांस लेते हैं। इस तरफ CIA का एक ऑफिसर लगातार हॉलीवुड में जॉन और लेस्टर को कॉल कर रहा था लेकिन वहाँ कोई कॉल उठा नहीं रहा था। इस तरफ सभी आखिरी चेक पॉइंट पर आते हैं जहाँ क्रांतिकारी गार्ड खड़े थे जो सभी के पासपोर्ट देख रहे थे। जब टोनी का नंबर आता है वो गार्ड उसे पूछताछ के लिए दूसरे कमरे में भेज देता है, फिर एक एक करके सभी को भेज देता है। इस तरफ CIA को पता चलता है वो लोग प्लेन के अंदर नहीं है और ना ही हॉलीवुड के ऑफिस से कॉन्टेक्ट हो रहा है। इस तरफ वो गार्ड सभी से पूछताछ कर रहा था, टोनी उससे बात करने आता है लेकिन उससे पहले जो उनसे फारसी में बात करने लगता है कि वो यहाँ फिल्म बनाने आए हैं, वो उन्हें न्यूज में छपा आर्टिकल दिखाता है। फिर भी वो गार्ड मान नहीं रहा था, फिर वो उन्हें स्टोरी बोर्ड दिखाता है और उसके जरिए उन्हें स्टोरी समझाने की कोशिश करता है। जो को इतनी अच्छी एक्टिंग करता देख सभी बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। वो गार्ड थोड़ा कन्विंस तो होता है लेकिन वेरीफाई करने तक उन्हें यही रुकने कहता है, इसीलिए टोनी उसे अपने हॉलीवुड के ऑफिस का कार्ड देता है ताकि वो वेरीफाई कर ले। वो गार्ड कार्ड लेकर चला जाता है। इस तरफ लेस्टर और जॉन अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे लेकिन एक जगह शूटिंग होने से उन्हें रुकना पड़ता है। इधर ऑफिस में उनका फोन बज रहा था क्योंकि CIA उन्हें कॉल कर रही थी। इस तरफ वो गार्ड अपने केबिन में आकर पेपर में उनका आर्टिकल देखता है। उनकी फ्लाइट का भी टाइम हो चला था, इधर शूटिंग की वजह से अभी भी दोनों रुके हुए थे। शूटिंग रुकने के बाद भी वो उन्हें जाने नहीं देता। इस तरफ वो गार्ड उनका कार्ड हाथ में लिए कुछ सोचने के बाद हॉलीवुड में कॉल लगाना शुरू करता है और इधर लेस्टर परेशान हो रहा था। इस तरफ ऑफिस में बेल बजना शुरू होती है और वो लोग अभी भी रुके हुए ही थे लेकिन उनका सब्र टूट जाता है और वो ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। काफी देर तक बेल बजती रहती है। वो गार्ड फोन रखने ही वाला था लेकिन सही समय पर जॉन फोन उठा लेता है। वो गार्ड केविन से बात कराने कहता है जो टोनी का नकली नाम है, लेकिन जॉन कहता है केविन मूवी की लोकेशन ढूंढने देश से बाहर गए है। ये सुनते ही गार्ड फोन रख देता है क्योंकि ये वेरीफाई हो गया था। इस तरफ वो आदमी एम्बेसिडर के घर आता है। इधर एयरपोर्ट पर सभी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके फ्लाइट के लिए बोर्डिंग गेट भी बंद हो गए थे। फिर वो गार्ड आता है और उन्हें जाने कहता है। सभी जल्दी वहाँ से निकलते हैं। टोनी वो स्टोरी बोर्ड वहाँ के दो गार्ड को दे देता है क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद आए थे। इस तरफ एम्बेसिडर के घर उस आदमी को टेलीफोन मशीन टूटी हुई मिलती है। दूसरी तरफ सभी अपनी टिकट और पासपोर्ट दिखाते हैं और उनके लिए गेट खोले जाते हैं। उस गार्ड को अभी भी शक था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर रनवे पर उनके लिए वैन आती है जिससे वो प्लेन तक जाएंगे। इस तरफ एयरपोर्ट पर वो आदमी कॉल करता है। फोन सुनते ही वो आदमी बोर्डिंग गेट के लिए दौड़ता है लेकिन सभी लोग प्लेन तक पहुंच गए थे और कुछ ही देर में वो प्लेन में चढ़ भी जाते हैं। तब वो गार्ड वहां पहुंचता है और उन गार्ड को सब बताता है। वो तुरंत उन्हें पकड़ने निकलते हैं लेकिन रनवे गेट बंद था। वही सभी लोग प्लेन में पहुंच कर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब प्लेन चलने का इंतजार था। इस तरफ वो गेट बहुत मजबूत था, वो टूट ही नहीं रहा था, इसीलिए वो गोली मारकर उस कांच को तोड़ देता है लेकिन उसके बाद एक और बंद ग्रिल गेट था। इस तरफ फ्लाइट को क्लियरेंस मिल जाती है और पायलट परमिशन लेने के बाद प्लेन को चलाना शुरू करता है। बाकी लोग और पुलिस मिलकर प्लेन का पीछा करने लगते हैं और वो सभी मिलकर तेजी से रनवे की तरफ आ रहे थे। इस तरफ एयर ट्रैफिक से प्लेन को टेक ऑफ करने की भी परमिशन मिल जाती है। वो लोग प्लेन के पीछे पहुंच गए थे लेकिन पायलट को टेक ऑफ करने की परमिशन मिलते ही वो प्लेन को टेक ऑफ करने लगते हैं। इस तरफ कुछ गार्ड एयर ट्रैफिक टावर पर पहुंचते हैं और बाकी लोग प्लेन के पास पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अंदर सभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। टोनी को भी कुछ लोग पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग सामने जाकर प्लेन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फाइनली प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और सभी को वही रुकना पड़ता है। एयर ट्रैफिक टावर पर भी गार्ड पहुंचते हैं लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन ईरान के ऊपर उड़ रहा था। CIA को ये बात पता चलती है लेकिन उनका बॉस रुकने कहता है। वही प्लेन में कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि वो ईरानियन एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं। ये सुनते ही टोनी मुस्कुराता है और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। एक दूसरे के गले मिलते हैं और कुछ देर बाद चैन की सांस लेते हैं। इधर CIA में पता चलते ही वहाँ भी सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। इस तरफ लेस्टर और जॉन को भी पता चलता है। वो दोनों भी खुशी से नाचने लगते हैं। दूसरी तरफ शहर जो एम्बेसिडर के घर में काम करती थी वो रोड के रास्ते से इराक पहुंचती है जहां उसे कनाडा के अधिकारी लेने आए थे। वही प्लेन में शैंपेन
ट्रेन खोली जाती है और जो जाकर टोनी से हाथ मिलाता है। इस तरफ CIA में सभी बातें करते हैं कि इस ऑपरेशन का पूरा क्रेडिट कनाडा को मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियली इस मिशन में CIA शामिल ही नहीं था। लेकिन उनका बॉस खुद हैरान था क्योंकि इस प्लान का असली हीरो टोनी था। फिर हमें कुछ असली फुटेज दिखाई जाती है जहां लोग कनाडा का शुक्रिया करते हैं, अमेरिका के ऑफिशियल शुक्रिया करते हैं, ईरान कनाडा को धमकी देता है, साथ ही सभी 6 लोगों को और एम्बेसिडर को सम्मानित किया जाता है, जहां ना असली हीरो टोनी था ना ही निडर और उन्हें बचाने वाली शहर। कुछ दिन बाद टोनी को लेस्टर का कॉल आता है क्योंकि उसकी नौकरानी को भी लगा था उन 6 लोगों को कनाडा ने ही निकाला है। फिर टोनी इस मिशन से जुड़े सारे सबूत जमा करने जाता है, लेकिन उसके बैग में एक स्टोरी बोर्ड रह जाता है जिसे वो चुपके से रख लेता है। फिर बाहर आकर उसे उसका बॉस मिलता है। वो बताता है उनके सीनियर उससे मिलना चाहते हैं। टोनी को लगता है वो उसे निकाल देंगे, लेकिन उसका बॉस बताता है दरअसल वो उसे इंटेलिजेंस स्टार देना चाहते हैं, इस देश का सबसे बड़ा अवार्ड। ये जानकर टोनी बहुत खुश होता है। वो सेरेमनी में अपने बेटे को लाने की सोचता है, लेकिन उसका बॉस बताता है ये मिशन क्लासिफाइड था, इसीलिए ये अवार्ड सेरेमनी भी क्लासिफाइड होगी। उसका बेटा क्या इस बात को कोई नहीं जान पाएगा, मतलब वो लोग टोनी को अवार्ड देकर वापस रख लेंगे। साथ ही जाते जाते वो बताता है प्रेसिडेंट ने उसे एक महान अमेरिकन कहा है। इस तरफ जॉन ऑफिस बंद करता है। किसी के पूछने पर वो बताता है उसकी फिल्म बंद हो गई और खामोशी से मुस्कुराता है। टोनी अपनी वाइफ के घर जाकर उससे माफी मांगता है और दोनों अपने गिले शिकवे मिटा देते हैं। फिर टोनी अपने बेटे के साथ समय बिताता है। उसका बेटा मूवीज फैन था। उसके बाकी खिलौनों के साथ टोनी ने आर्गो का स्टोरी बोर्ड भी रख दिया था। फिर हमें बताया जाता है ईरान ने 1981 में सभी हॉस्टेजेस को छोड़ दिया था 444 दिन के बाद। ऑस्कर विनिंग मेकअप आर्टिस्ट जॉन चेम्बर्स को भी CIA ने इंटेलिजेंस स्टार दिया था। जॉन और टोनी तब तक दोस्त रहे जब तक जॉन की 2001 में मौत नहीं हुई। 1997 में टोनी मेंडास को उसका इंटेलिजेंस स्टार वापस कर दिया गया क्योंकि इस क्लासिफाइड आर्गो मिशन को प्रेसिडेंट क्लिंटन ने डीक्लासिफाइड कर दिया और पूरी दुनिया को टोनी की कहानी पता चली। टोनी इस मूवी के बनाने तक किसी रूरल एरिया में अपनी फैमिली के साथ रहता है। फिर हमें जॉन की असली फोटो दिखाई जाती है ऑस्कर लेते हुए, फिर मैरी की, उसके बाद हैरी की, फिर जो और केथी की, उसके बाद बॉब की और उसके बाद माइक की। ये जो फोटोज है ये उन नकली कनाडा पासपोर्ट की असली फोटोज है जिस पर सभी का नकली नाम लिखा था। फिर एम्बेसिडर और उनके वाइफ की फोटो दिखाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी कितनी रियलिस्टिक है। जैसे ईरान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी मूवी में भी बिल्कुल वैसा ही रखा गया है। मूवी की शुरुआत में एक आदमी अमेरिका का झंडा जला रहा था क्योंकि सच में झंडा वैसे ही जलाया गया था। जैसे मूवी में लोग गेट कूद कर गए थे वैसे ही सेम असलियत में भी गए थे। यहाँ तक कि मूवी के फ्रेम में जो खोमेनी की फोटो दिखाई देती है असलियत में भी वो फोटो वही थी। कैसे ईरान के बच्चों को डॉक्यूमेंट जोड़ने में लगाया गया था और सच में उस समय हॉलीवुड का H और O टूट गया था। मूवी के बीच में हमेशा एक औरत गन लिए दिखाई दी थी, वैसे ही असलियत में एक औरत घुमा करती थी। वो क्रेन पर फांसी देने वाला सीन भी बिल्कुल असली था और ये था असली आर्गो मूवी का पोस्टर। फिर उन्हें सम्मानित किए जाने वाली असली फोटो दिखाई जाती है। फिर हमें जिमी कार्टर मतलब प्रेसिडेंट की आवाज आती है कि उन्हें इस मिशन को क्लासिफाइड ही रखना पड़ा। टोनी मेंडास के रिटायर होने पर उसे CIA के सबसे बड़े पद में से एक दिया गया। मूवी के एंड तक हमें टोनी मेंडास की एक भी असली फोटो दिखाई नहीं जाती और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि अमेरिका सही था या ईरान। ईरान कुछ जगह गलत था लेकिन 90% गलत अमेरिका ही था। ये सब नौबत अमेरिका की वजह से ही आई थी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे कुछ अलग भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको लगता है मैं दूसरों से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाता हूं तो आप चैनल को ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।